ये तस्वीरें हैं साल 1999 की, जब बीसीसीआई के बॉस बने थे एसी मुथैया। मुथैया तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के रास्ते बीसीसीआई के अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्रिकेट का बॉस बनना विरासत में मिला था। उनके पिता एम एच चिदम्बरम भी बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके थे। मुथैया के अध्यक्ष रहते ही क्रिकेट में फिक्सिंग का भूत पहली बार निकल कर सामने आया। ये साल था 2000, जब हेंसी क्रोनिया से लेकर अजहर तक का नाम उछला। इसी के बाद मुथैया की ताकत बीसीसीआई में कमजोर होती गई और डालमिया गुट मजबूत होता गया। साल 2001 में मुथैया हटे और जगमोहन डालमिया बीसीसीआई अध्यक्ष बने। मुथैया अब बीसीसीआई में पुरानी ताकत चाहते थे। उन्होंने अपने लोगों को बीसीसीआई में आगे बढ़ाना शुरू किया और इसी कड़ी में वो तमिलनाडु के उद्योगपति एन श्रीनिवासन को तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन में लेकर आए। यहीं से शुरू होती है एन श्रीनिवासन के उत्थान की कहानी। मजबूत डालमिया गुट के आगे बीसीसीआई में किसी की चलती नहीं थी। जगमोहन डालमिया ने आईसीसी तक में धाक जमा ली थी। इसी के बाद शरद पवार की बीसीसीआई में एंट्री होती है। शरद पवार ने जगमोहन के असर को खत्म करने के लिए तमाम दूसरे गुटों को एकजुट किया। इस समीकरण में एन श्रीनिवासन और मजबूत हो गए। शरद पवार अध्यक्ष बने तो बीसीसीआई के ट्रेजरर जैसा महत्वपूर्ण पद एन श्रीनिवासन को दे दिया गया। श्रीनिवासन के पास इंडिया सीमेंट चलाने का लंबा अनुभव था। उद्योगपति रहते हुए उनके पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही उनका रुतबा किसी से कम था। उनकी पहुंच तमिलनाडु से बढ़कर अब पूरी बीसीसीआई तक हो चुकी थी। उनके सपने बढ़ चुके थे। कोषाध्यक्ष रहते हुए उन्हें क्रिकेट की सारी संभावनाएं समझ में आ चुकी थी। वो तेज एक अच्छे बिजनेसमैन है और विरोधी तो नहीं है, सभी मित्र हैं आपस में। और मुझे लगता है कि वह जो रिपोर्ट है, जिस समय वो ट्रेजरर थे और चार साल पहले जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, उस विषय पर जब उनको बुलाया गया था पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने, तो वह उसके अंदर जवाब नहीं दे सके। तो मुझे लगता है शायद कि सबको किनारा तो नहीं किया, सबने मिलकर उनको दबाया हुआ और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सबको किनारा किया हुआ है। एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती चल रही है अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर एक दिख रहे हैं। एन श्रीनिवासन का गुट बीसीसीआई में काफी मजबूत हो चुका था। यही वजह है कि शशांक मनोहर के अध्यक्ष पद पर रहते हुए श्रीनिवासन सचिव जैसे अहम पद पर पहुंच गए, जिसके बाद रोटेशन पॉलिसी के तहत साउथ जोन का नंबर आना था और साउथ जोन में सबसे ताकतवर हो चुके थे एन श्रीनिवासन। साल 2011 में एन श्रीनिवासन निर्विरोध बीसीसीआई अध्यक्ष बने। बोर्ड में उनका रुतबा साबित हो चुका था, लेकिन बोर्ड के बाहर उनके विरोध की आवाज सुनाई दी एसी मुथैया के तौर पर। वही एसी मुथैया जो एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई की तरफ लेकर आए थे। इन आवाजों का भी एन श्रीनिवासन पर कोई असर नहीं हुआ। एन श्रीनिवासन और उसके गुट ने बीसीसीआई को अपने मुताबिक चलाया। जिसने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई उसे बीसीसीआई से बाहर कर दिया गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ललित मोदी। आईपीएल ललित मोदी का ब्रेन चाइल्ड था। इसके बावजूद भी ललित मोदी को आईपीएल और बीसीसीआई से बाहर कर दिया गया। बताते हैं कि इसके पीछे भी एन श्रीनिवासन का ही हाथ था। मेरे ख्याल से हर एसोसिएशन वही कर रहा है जो वह अपने एसोसिएशनों में करना चाह रहा है। आप जानते हैं कि इनके ऊपर काफी इंक्वायरीज चल रही हैं और जब सबको यहाँ नीचे चलती हैं तो ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाले को खबर पहुंचते हैं तो वो नीचे वाले को दबाता है, नीचे वाला ऊपर वाले को दबाता है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते रहते हैं और उस प्रकार से ये चलाते रहते हैं। यही वजह है कि 68 साल के श्रीनिवासन 84 साल के बीसीसीआई के इतिहास में सबसे ताकतवर होते गए। उनका रुतबा ऐसा है कि वो भारत में बैठकर दुनिया में क्रिकेट का काम करने वाली संस्था आईसीसी को भी अपने आगे झुका लेते हैं।